भगवान शिव के भक्तों में सावन माह के लिए विशेष आस्था होती है। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस माह में भगवान शिव पृथ्वी को संचालित करते हैं। ऐसे में शिव के भक्त ज्योतिर्लिंग पहुंचकर भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी के चलते अब तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। श्रद्धालुओं के लिए ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने का सिलसिला सोमवार को सुबह से ही शुरू हो गया। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा लगातार हर हर महादेव, भोलेनाथ, भोले शंभू के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके इसलिए मंदिर के पट सुबह 4 बजे ही खोल दिए और दर्शन कराना शुरू कर दिया। हर आने वाले स्थानीय लोगों के लिए 4 से 8 तक मंदिर के मूल स्वरूप पर जल चढ़ाने की विशेष सुविधा भी दी गई और इसके लिए विशेष द्वार से ये सुविधा दी गई। उसके बाद आम नागरिकों के साथ लाइन में लगकर दर्शन करने के नियम लागू कर दिए गए। इधर मंदिर ट्रस्ट ने भी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सोमवार को 300 रुपये शुल्क प्रत्येक श्रद्धालुओं से दर्शन करने के किए। खंडवा जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, SP मनोज राय ने मंदिर ट्रस्ट पुलिस प्रशासन पर आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके इस प्रकार की व्यवस्था में लगातार नजर बनाई। सावन माह के शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उज्जैन से जल भरकर ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से जल भरकर महाकालेश्वर यानी कि उज्जैन महादेव को अर्पित करने पहुंचते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रविवार रात को बरसात शुरू हो गई थी, इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रशासन ने यातायात जाम ना हो, नगर में वाहनों का जमघट ना लगे इसलिए ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर दूर छोटे बड़े सभी वाहनों को अस्थायी रूप से बने हुए पार्किंग में रोक दिया। इसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 4:30 बजे भगवान की पालकी निकलेगी। दोनों ही मंदिरों से भगवान की सवारी नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचेगी। सबसे पहले नर्मदा जल से स्नान करने के बाद भगवान की पंचमुखी प्रतिमा का दूध, दही, मिश्री, मक्खन, भस्म, शहद और पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।